एक हदीस आप मुझे पेश कर दें, मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अब गौमांस को लेकर, गाय के मांस को लेकर, गाय काटने को लेकर क्या कुछ कहता है इस्लाम? इस्लाम में क्या कहा गया है कि गाय का मांस खाना चाहिए? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि नहीं, मोहम्मद साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, अवॉइड करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कहा गया है बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। तो उसको लेकर सही बात क्या? আল্লাহ পাক রহমানুর রহিম, তাহলে কি শুধু আদম জাতের জন্য, পশু পাখির জন্য নয়? কেন তাহলে কুরবানি উপলক্ষে হাজারো পশুকে জবাই করা হচ্ছে, হাজারো নিরীহ পশুকে বলি হতে হচ্ছে, তাদের উপরে কি তার রহমত নেই? এই হাজারো প্রশ্ন অমুসলিমদের আর্য সমাজের করা প্রোপাগান্ডাকে আজকে নাকাম করতে চলেছেন মুফতি ইয়াসির নাদিম সাহেব। মাত্র 5টা পয়েন্টের এর হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে চলেছেন, যা শোনা একটা মুসলমান হিসাবে আমাদের উচিত এবং জেনে রাখা উচিত। অমুসলিমরা জানলে অবশ্যই তাদের উপকারে আসবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আসসালামু আলাইকুম। আমি শামিমারা বেগম, আপনারা দেখছেন বেগম ইন্ডিয়া রিয়াকশন। আশা করি ভালো আছেন। আমার চ্যানেল নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটাকে প্রেস করে দিবেন, ভালো লাগলে লাইক দিবেন। আজকের ভিডিওটা দেখা ও শোনার পরে আশা করি অমুসলিমদের কুরবানি নিয়ে আর কোনো দিন আজে বাজে মন্তব্য বা কোনো রকমের প্রোপাগান্ডা চালাবেন না ইনশাআল্লাহ। দারুণ ইন্টারেস্টিং, নলেজেবল ও ইনফরমেটিভ ভিডিও হতে চলেছে, প্রতিটি মুসলিমকেও জানা দরকার। তো চলুন ভিডিওটা দেখি। एक हदीस आप मुझे पेश कर दें जिसमें यह लिखा हुआ हो कि अगर दूसरे मजाहिब के मानने वालों के या गैर मुस्लिम मुशरिकीन काफिर के बिलीफ जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं अभी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पे यही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। आप एक हदीस पेश कर दें। यानी इस्लाम ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जानवर अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसका मांस खाना गुनाह है? इस्लाम में कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी हदीस किसी कुरान की आयत में ये नहीं है। इवन आपको ऐसी हदीसें जरूर मिलेंगी कि जिसमें वही काम किए जाते थे जिससे काफिरों को तकलीफ होती थी। गौमांस को लेकर, गाय के मांस को लेकर, गाय काटने को लेकर क्या कुछ कहता है इस्लाम? इस्लाम में क्या कहा गया है कि गाय का मांस खाना चाहिए? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि नहीं, मोहम्मद साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, अवॉइड करो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कहा गया है बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। तो उसको लेकर सही बात क्या है? तो आगे मैं मुफ्ती साहब बढ़ता हूँ के एक जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अगर हम ये कहे तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है। तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा इसके ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जमा करते हो, उनकी कुर्बानी देते हो, तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं, जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं है बल्कि 5 है, ठीक है? और उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दरकार होगा इन 5 जवाबों को मुख्तसरन बयान करने में, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, इस उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो यह बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे, ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। एक तो बात यह है। दूसरी बात, दूसरा जवाब देखिए, जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है, जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है? कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म, लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है, क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। आप उसको आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऊपर उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है, ठीक है? उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप उसकी, आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा,
महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं, ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने आप, यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया, और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, जिबाह करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म है, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर के इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है, आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटा जुल्म को, छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए। ठीक है, आगे चलिए। मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, जिबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है। ठीक है, जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है, और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह गंदा जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है, और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है। ठीक है, ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए। वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को जिबा करना गलत है और जुल्म है, आम तौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक मुक्ति ना मिले। तो उनके यहां ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है पुनर्जन्म में, अगले जन्म में। ठीक है, अब हम जब उस जानवर को जिबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको जिबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया, ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे, हम तो उसको काटकर उसको जिबा करके उसकी उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बींग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी दो आंखें हैं इसलिए हमें जरूरत है, हमारे दो कान हैं इसलिए हमें जरूरत है, हमारी एक नाक है इसलिए हमें एक ही नाक की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइंस है, उसको नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है। कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम हैं, और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है, खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो यह कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है, इस कदर बेहयाई के इतना, यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई लेकिन वहां तक पहुंची नहीं पाती, वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है, इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया, चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है
बद अखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा, सामने वाले जानवर को, उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुदगर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। हाँ, जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करा दिया गया है। ये एक बुनियादी सी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा, कोई आदमी एतराज नहीं करेगा कि अल्लाह ताला ने जानवरों को हलाल करके उनके ऊपर तो रहम नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर रहम किया है, इसीलिए हलाल किया है। जो लोग ये कहते हैं कि जानवर को तकलीफ क्यों दे रहे हो, तो हम उनसे सिर्फ एक सवाल ये करते हैं कि भाई आप सब्जियों को, प्लांट्स को तकलीफ देना छोड़ दो, हम जानवरों को छोड़ देंगे। जो जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वेजिटेरियन बनते हैं, उनसे आप ये कहें कि भाई आप जो वेजिटेरियन हैं, आप भी तो प्लांट्स को काट कर खा जाते हैं। जिंदगी तो प्लांट्स के अंदर भी है। आज मॉडर्न साइंस ने इस चीज को साबित कर दिया, बल्कि 1970 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पीटर टॉमकिंस, उसने एक किताब लिखी, किताब का नाम था द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। 1970 में ये किताब आई है और ये उस जमाने में बेस्ट सेलर थी। उस किताब में उसने ये साबित किया कि पौधों के अंदर भी फीलिंग होती है और इस तरीके से फीलिंग होती है और उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की ताकत होती है, जिस तरीके से एक जानवर के अंदर, एक इंसान के अंदर है। यानी अगर वो जिस तरफ को वो अपनी शाखें बढ़ाना चाहते हैं वो उसी तरफ को लेकर जाते हैं, और इसी तरीके से जो उनमें खास तरीके की जो स्मेल आती है, बू आती है, वो दरअसल उनका रिएक्शन होता है। उनके यहाँ डिफेंस भी होता है, ऑफेंस भी होता है। ये सारी चीजें उसने किताब के अंदर साबित की है और इनमें से 90% चीजें वो हैं जिनको आज मॉडर्न साइंस तस्लीम करती है। ये अलग बात है कि उनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है और उनके अंदर इंटेलिजेंस का जो निजाम एक जानवर में है या एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बनाया है, उस तरीके का निजाम उनके अंदर नहीं बनाया, लेकिन लाइफ उनके अंदर भी है। तो एक जानवर को आप ज़िबा करने पर नाराज हो जाते हैं कि वो उसमें लाइफ है, आपने उसकी लाइफ ले ली, तो लाइफ तो भी प्लांट्स के अंदर भी है, आप उस पर नाराज क्यों नहीं होते, बल्कि खुद ही चबा चबा कर खा जाते हैं उसके। तो इतना ताकतवर हो चुका है कि एनिमल किंगडम का बादशाह दरअसल इंसान ही है, शेर नहीं रहा। यानी सारे जानवरों को वही कंट्रोल कर रहा है। हर शहर में तो जू बना दिया आपने, तो जब ये जो जू बनाए हैं उसमें शेर को सब्जी क्यों नहीं खिलाते भाई, आप उसको करेले और यानी ककड़ियां नहीं खिलाते। मालूम है कि शेर की जो खुराक है वो गोश्त है, तो आप खुद ही गोश्त काटेंगे, खुद ही जानवर पकड़ेंगे और उसको देंगे, तो आखिर क्या जरूरत है। लेकिन दुनिया कर रही है तो आप भी कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि ये महज दिखलावा है, दिखलावे की बात है कि नहीं जी हम जानवरों को तकलीफ नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर का, मुसलमान एक्टर था वो, उसका इंतकाल भी हुआ है। वो 1-1.5 साल पहले उसने कंट्रोवर्सी इसी बुनियाद पर कर दी थी, इसी बुनियाद पर उसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी कि ये क्या बात हुई कि आप जो है बाजार से एक जानवर खरीद के लाते हैं और उसको तकलीफ पहुंचा देते हैं, ये कैसी कुर्बानी है। तो उसका जवाब यही है कि इस्लाम दरअसल मानने का, सरेंडर टू द सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, ये इस्लाम है। खुदा ने जिस तरीके से कह दिया वैसे करना है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया था कि औलाद ज़िबह करो, तो वो औलाद ज़िबह करने निकले, उनका इस्लाम यही था। और उसके बाद फिर उसको दुम्बे से बदल दिया, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और पूरी उम्मत को यह हुक्म दिया कि तुम हर साल कुर्बानी करो, तब इस्लाम यही है कि कुर्बानी करो। किसी को समझ में ना आए हमारी बला से, लेकिन हम समझाने के लिए यही कह सकते हैं कि आप अपनी इस हिपोक्रेसी को छोड़ दीजिए और आप जो है प्लांट्स भी और वेजिटेशन भी खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हयात उनके अंदर भी है, बल्कि आप जंगलों में जाइए और जंगलों में जानवरों को अलग कर दीजिए। आप क्यों नहीं इंटरफेयर करते कि जब एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर हमला करके उसको खा जाता है, क्यों आप शेर को हरण का शिकार करने से नहीं रोकते। आपके बस में है, आपके पास ऐसे आलात हैं, आपके पास ऐसे सिस्टम है, आप तो जब लाइफ के लिए आप इतने ज्यादा इमोशनल हैं तो फिर आप जानवरों को भी डिसिप्लिन सिखाइए ना। पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इसलिए हम करते हैं। क्यों करते हैं? चूंकि हमारा रैशनल और लॉजिकल अटैचमेंट है अल्लाह ताला से, तो अब उसका तकाजा यह है कि जितने नेचुरल अटैचमेंट्स हैं वो सेकेंडरी हो जाएं, जितनी मोहब्बत तबीई है वो सेकेंडरी हो जाए। उस चीज को साबित करने के लिए हम अपने जानवर को, जिसको हमने 1 साल तक पाला है, खिलाया है, पिलाया है, उसको ज़िबा करते हैं, चूंकि हमें मालूम है कि इसकी बुनियाद पर हमें सवाब मिलना है। और वो गोश्त पोस्ट ऐसा नहीं है कि हम मसलन दूसरों की तरीके से कहीं दूध जाये कर रहे हैं, कहीं कुछ और जाये कर रहे हैं, बल्कि वो गोश्त हम ही खुद खाते हैं। अल्लाह ताला ने तो खुद ही कह दिया कि इन जानवरों का गोश्त, ना तो इनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है ना इनका
खून पहुंचता अल्लाह तक, तो तुम्हारी ये नियत पहुंचती है कि तुमने इस जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके खुद खाया है, ये नियत के ऊपर तुम्हें सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक देखलें तो रहमान और रहीम तार प्रमाण हो गल। ये भिडियोटा कुरबानी आगे बसि बसी शेयर करें जान अमुसलिम पोचाते परे एवं अपना एक शेयारे क्योंकि अपना को क्षति होना बरंच मुस्लिम उपकार आसें अमुसलिम उपकार आसें आशा करी बेपार बुझते पे। टेक केयर, जजाकल्ला खैर फर वाचिंग, असलामु आलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।